जियो फाइनेंस एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है। ये सभी पेमेंट एप्लीकेशन का बाप है, क्योंकि इसमें फाइनेंस से रिलेटेड सभी काम हो जाते हैं। इसमें आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं विद वर्चुअल डेबिट कार्ड और विदाउट वर्चुअल डेबिट कार्ड भी, और वर्चुअल डेबिट कार्ड से एटीएम में फ्री कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें फ्री सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करवाना चाहते तो इसमें फ्री में वॉलेट भी ओपन कर सकते हैं मनी ऐड करने के लिए और पेमेंट करने के लिए। इसके अलावा इसमें आपको इंश्योरेंस भी देखने को मिल जाता है। सभी टॉप जो भी कंपनीज हैं उन सभी के इंश्योरेंस प्लान यहाँ पर आपको एक ही जगह मिल जाते हैं। इसके अलावा UPI मिल जाता है और कोई भी बिल पेमेंट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं UPI के थ्रू, बैंक के थ्रू, वॉलेट के थ्रू, और भी मल्टीपल आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और अभी आने वाले टाइम में काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। आने वाले टाइम में इस ऐप में आपको और भी अनेक सारे फाइनेंस से रिलेटेड ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी ये बीटा वर्जन में है और इस पर अभी वर्क चल रहा है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जियो फाइनेंस ऐप कैसे रजिस्टर करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, जिसमें बैंक अकाउंट ओपन करना भी शामिल है। इसमें आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल ऐप को ओपन करेंगे। अब हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लॉगिन भी कर सकते हैं और स्कैप भी कर सकते हैं, बाद में लॉगिन या रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले ही लॉगिन कर देते हैं। उसके लिए लॉगिन यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को टाइप करेंगे, उसके बाद आपको एक OTP प्राप्त होगी। OTP यहाँ पर ऑटो फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ से एक्टिवेट लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करके आप जियो फाइनेंस एप्लीकेशन के लिए लॉक लगा सकते हैं। फिंगर लॉक, फेस लॉक, जो भी आप लगाते हैं वो लगा सकते हैं, या फिर स्किप फॉर नाउ कर सकते हैं, यानी बाद में लगाने के लिए। तो चलिए हम यहाँ से स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। काफ़ी शानदार हैं, काफ़ी सिंपल हैं और प्रीमियम लुक भी हैं, और बाकी सभी पेमेंट एप्लीकेशन से थोड़ा डिफरेंट भी हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें सबसे ऊपर सर्च का ऑप्शन है, नोटिफिकेशन का ऑप्शन, जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके आगे हैं प्रोफाइल का आइकन, यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर ऐप सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, फीडबैक, हेल्प, लॉग आउट, बाकी सब डिटेल यहाँ पर मिल जाती हैं। यहाँ पर हैं स्कैन एंड पे, और उसके बाद जो भी ऑप्शंस हैं वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ से अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हैं और UPI रजिस्टर करते हैं। तो देख सकते हैं आप, सेकंड सेक्शन में हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेट्स क्रिएट योर UPI ID। तो आपकी अगर UPI ID नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से UPI ID को लिंक भी कर सकते हैं। तो चलिए हम क्लिक करते हैं लेट्स क्रिएट योर UPI ID के ऑप्शन पर। यहाँ पर हम अलाउ करेंगे परमिशन देने के लिए, और यहाँ पर परमिशन देंगे, उसके बाद सिम कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से टिक मार्क रखेंगे, तो ये हमारी सिम कार्ड वेरीफाई हो जाएगी कि हमारा सिम कार्ड जो है वो कौन कौन से बैंक के साथ लिंक है। जितने भी बैंक में हमारा अकाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि आपका कौन सा अकाउंट है। तो चलिए हम यहाँ से एक अकाउंट को सिलेक्ट कर देते हैं, बैंक को सिलेक्ट कर देते हैं कि हमारा इस बैंक में अकाउंट है, तो वो बैंक यहाँ पर फाइंड हो जाएगा और ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट इस तरह से ऐड हो चुका है और हमारी UPI ID भी आ चुकी है। तो अब हम UPI ट्रांजैक्शन यहाँ से कर सकते हैं, और ये जो एप्लीकेशन है वो जियो पेमेंट बैंक के ऊपर बेस है। तो यहाँ पर आप जीरो चार्जेस बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो भी फ्री में कर सकते हैं। होम पेज पर सेकेंड ऑप्शन है बैंक, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बैंक अकाउंट भी ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। जियो पेमेंट बैंक के अंदर आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिस पर आपको 3.5% का इंटरेस्ट मिलता है, और यहाँ पर वॉलेट भी है, यानी अगर आप बैंक अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तो वॉलेट ऐड कर सकते हैं। वॉलेट स्टार्ट करेंगे, उसमें अमाउंट डालेंगे और बैंक की तरह ही आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पेमेंट रिसीव करना, बिल पेमेंट करना या पेमेंट सेंड करना। तो चलिए हम यहाँ से गेट एज सेविंग अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन होगा हमारा। उसके लिए देख सकते हैं आप, मोबाइल नंबर से हम रजिस्टर करेंगे और OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर फिलअप करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट फिलअप हो जाएगा। उसके बाद एक Gmail ID यहाँ पर टाइप करेंगे, Gmail पर भी OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP यहाँ पर टाइप करेंगे, उसके बाद प्रोसीड। OTP फिलअप करने के बाद ये बैंक की टर्म्स और कंडीशन होगी, जिसे आपको एक्सेप्ट करना होता है। सभी को टिक मार्क करेंगे, उसके बाद I accept। सो यहाँ पर हम फर्स्ट वाला अकाउंट ही ले रहे हैं विथ वर्चुअल डेबिट कार्ड, क्योंकि इस डेबिट कार्ड से आप
एटीएम से कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं, 10 ट्रांजेक्शन फ्री होते हैं और इसका कोई मिनिमम चार्जेस नहीं है, यानी आपको हर महीने अकाउंट में कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। तो हम इसी को रखेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, नीचे आप आधार कार्ड नंबर टाइप करेंगे और जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से यूआईडीएआई की तरफ से आपको एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर फिलअप करना है जो कि मोस्टली बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर आपको वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ से गेट स्टार्ट, यहाँ से आपको अपनी सेल्फी अपलोड करनी होगी। उसके लिए प्रोसीड टू टेक सेल्फी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से परमिशन देंगे अपने ऑडियो और वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, यहाँ से परमिशन देंगे। इस तरह से कैमरा ओपन हो जाएगा, यहाँ से आपको अपनी सेल्फी अपलोड करनी है। अब इस पेज पर सबसे पहले मैरिटल स्टेटस, उसके बाद फादर का नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जैसा पैन कार्ड में है, उसके बाद मदर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसके बाद प्रोसीड करें। अब यहाँ से अपना ऑक्यूपेशन चूज करना है, उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम बताना है, एनुअल इनकम बताना है और यहाँ से टिक मार्क करना है IMA इंडियन सिटीजनशिप्स और टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए ये मैंडेटरी है। तो यहाँ से आप उसके बाद प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर हमें नॉमिनी ऐड करने के लिए बोल रहा है, आप अपने फैमिली के किसी को भी मेंबर को ऐड कर सकते हैं नॉमिनी के तौर पर, या फिर आप स्किप कर सकते हैं अभी के लिए, इसे बाद में भी ऐड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर अभी स्किप करते हैं। तो हमारे सामने ये डिटेल ओपन हो जाती है, हमारे डेबिट कार्ड की डिटेल, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें फिर से प्रीव्यू दिखा रहा है कि ये डेबिट कार्ड वाला सेविंग अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं जिसका चार्जेस जीरो हैं और नाम आ चुका है कि डेबिट कार्ड के ऊपर ये नेम आएगा। यहाँ से हम इनके टर्म्स और कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद प्रोसीड, और प्रोसीड करने के बाद ये हमें फिर से एक रिव्यू के लिए बोलेगा। यहाँ पर आप फिर से अपना रिव्यू देख सकते हैं, फैमिली स्टेटस आप अपना और फाइनेंशियल डिटेल जो भी हमने फिर ये फिलअप की है, उसके बाद नॉमिनी डिटेल, उसके बाद अकाउंट डिटेल देख सकते हैं। ये रुपे प्लेटिनम वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा, डेबिट कार्ड आता है जो कि उसके ऊपर ये नाम आ जाएगा और सब्सक्रिप्शन फ़ी इसकी जीरो है। कोई भी डिटेल सही नहीं है तो उसके आगे लिखे हुए ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और उसके बाद सब कुछ सही है तो सबमिट करेंगे। अब आपको अपनी KYC करनी होगी, उसके लिए आपको एक वाइट पेपर और पेन लेकर बैठना है। आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड भी होना चाहिए और आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि आपको वीडियो कॉलिंग करना होगा। अभी वीडियो कॉलिंग पर आपकी KYC होगी, बैंक का एक एजेंट आपको वीडियो कॉल पर आपसे कुछ पूछेगा, वो डिटेल आपको उनको बतानी है और आपको वीडियो कैमरा पर ही लाइव अपने सिग्नेचर करने हैं वाइट पेपर पर और उनको दिखाना है, और अपना ओरिजिनल पैन कार्ड भी उनको दिखाना है। तो उसके लिए आप अभी कॉल करना चाहते हैं तो नाउ करेंगे और बाद में करना चाहते हैं KYC तो लेटर करेंगे। तो सिंपली हम यहां से लेटर कर देते हैं, क्योंकि बाद में भी कभी KYC कर देंगे हम, फ़िलहाल हमें नहीं करनी है। और ऐसा ही ये हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा KYC होते ही। और वॉलेट को आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो वॉलेट चाहते हैं आप, तो जस्ट आपको गेट वॉलेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर OTP फिलअप करेंगे। OTP फिलअप होते ही आपका जियो फाइनेंशियल एप्लीकेशन में वॉलेट भी ऐड हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसमें आप पैसा ऐड कर सकते हैं और पैसे को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट, आईडी प्रूफ चूज करेंगे, आईडी प्रूफ के नंबर डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे। आईडी को वेरीफाई करवाते ही आपका वॉलेट भी ऐड हो जाएगा। और आपको अगर बैंक ओपन नहीं करवाना चाहते तो आप वॉलेट से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और मनी प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन मिलता है बिल्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी तरह के बिल पेमेंट देखने को मिल जाएंगे, कि आप कौन से रिचार्ज करना चाहते हैं, किधर बिल पेमेंट करना चाहते हैं, वो सब यहाँ पर है। और फोर्थ ऑप्शन है इंश्योरेंस, और इस सेक्शन में आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या प्लान लेना चाहते हैं तो एडवाइजर के लिए आप यहां से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, बाकी डिटेल देख सकते हैं। और सभी बड़ी बड़ी कंपनियों का जो इंश्योरेंस है उसे आप यहीं से ले सकते हैं, सभी के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है लोन्स,
जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोन ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये अवेलेबल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एप्लीकेशन अभी बीटा वर्जन में है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन अभी आने बाकी हैं, तो उसमें ये लोन का ऑप्शन भी आना बाकी है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि यहाँ से आप पेपर फ्री और इंस्टेंट अप्रूवल के साथ चैट बेस एप्लीकेशन के साथ ही लोन ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये लोन भी रिलायंस और उसी की सब्सिडरी कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, जो कि जियो फाइनेंशियल लिमिटेड के अंदर आता है। तो चलिए हम सीधा होम पेज पर चलते हैं। यहाँ पर आपको सभी ऑप्शंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर स्कैन एंड पे है, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे जैसा हम पेमेंट करते हैं वैसा, और या फिर नीचे आप नंबर या मोबाइल नंबर या नाम लिखेंगे, या फिर आप कॉन्टैक्ट बुक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट देख सकते हैं कि किसे पेमेंट करना है, उसके बाद उसे पेमेंट कर सकते हैं। फिर से आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है स्कैन एंड पे, पे वाया UPI ID यहाँ से टाइप करेंगे, उसके बाद बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, माई मनी, ये एक न्यू ऑप्शन है। इसके अंदर आप अपनी मनी को मैनेज कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ ऑप्शंस हैं जहाँ पर सब कुछ आपको मनी से रिलेटेड यानी बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। बैंक अकाउंट को लिंक करके आप यहाँ से बैलेंस देख सकते हैं, स्पेंड देख सकते हैं, कितनी अर्निंग हुई है, कितना एक्सपेंस हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके लिए गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, अपने सभी बैंक अकाउंट को यहाँ पर लिंक करेंगे, उसके बाद आपको ये देखने को मिल जाएगा। बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट देखने को मिल जाएंगे यहाँ से, जिसमें ये जियो बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद गेट इंश्योरेंस है, शेयर फीडबैक है, और वापस ये UPI का सेक्शन आ गया, जिसमें UPI पासबुक देख सकते हैं कि आपने किसको पेमेंट किया है, किससे पेमेंट आना है, बैलेंस चेक कर सकते हैं, और UPI ID पर पे कर सकते हैं, स्कैन एंड पे कर सकते हैं। काफ़ी ऑप्शंस हैं जिसमें आप अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्रेडिट स्कोर देखने का ऑप्शन, यहाँ पर आप रुपये का क्रेडिट कार्ड भी लिंक कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। यहाँ पर आपको बैंकिंग का सेक्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें बैंक से मनी सेंड करना, मनी ऐड करना, बैंक की पासबुक है, और भी ऑप्शंस यहाँ पर एक्सप्लोर पर क्लिक करके देख सकते हैं। बिल पेमेंट के कुछ ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर रिवॉर्ड हैं, इंश्योरेंस हैं, और माई मनी जैसा कि मैंने आपको बताया बैंक को लिंक करेंगे तो सभी एक्सेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ ये एप्लीकेशन है जो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी शानदार है, प्रीमियम भी है और कुछ नया है, कलर थीम भी अलग है, और कोशिश की है इसने कि सभी पेमेंट एप्लीकेशन से थोड़ा कुछ आपको बेटर दें। तो इसमें लोन भी हैं, इंश्योरेंस हैं, बिल पेमेंट हैं, बैंक अकाउंट भी फ्री में ओपन कर सकते हैं, और वॉलेट भी ओपन कर सकते हैं, और UPI तो है ही, और बाकी कुछ भी ऑप्शन आपको इसमें आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएगा। तो ये था जियो फाइनेंशियल एप्लीकेशन, जिसमें आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी काम करने में ईजी हो, कोई भी काम आप आसानी से कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।